بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. instruction set of 8086 microprocessor lecture series को continue करते हैं और आज की instruction हमारे पास compare की instruction. compare की instruction इसलिए आज से बड़ी important है कि हम लोग जब भी comparison करेंगे two values के दरमियान तो हमें compare की instruction वहाँ पे use करनी होगी. compare की instruction का syntax हमारे पास CMP stands for compare. ठीक है, अब comparison किन दो ऑपरेंड्स के दरमियान करेगा. यहाँ पे हमारे पास एक डेस्टिनेशन ऑपरेंड होता है और एक हमारे पास सोर्स होता है. ठीक है, कॉमा के बाद हमेशा. तो ये क्या करेगा, डेस्टिनेशन को कंपेयर करेगा सोर्स के साथ और उसकी बेस पे डिसीजन मेक करेंगे हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में. इसका मतलब है कि हमारा डेस्टिनेशन जो ऑपरेंड हम लोग रखेंगे वो कंपेयर होगा किसके साथ, सोर्स ऑपरेंड के साथ कंपेयर होगा. ठीक है, तो हम लोग फॉर एग्जाम्पल डेस्टिनेशन को बी एक्स रख देते हैं और सोर्स को ए एक्स रख देते हैं. ठीक है, तो ये क्या कंपेयर करेगा, ये बी एक्स की वैल्यू को कंपेयर करेगा ए एक्स की वैल्यू के साथ. उसके बाद मैं कह देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जंप ग्रेटर देन. ठीक है, जंप ग्रेटर देन, अब किस वैल्यू पे ग्रेटर देन पे ये लेबल पे जाएगा, जब बी एक्स की वैल्यू ग्रेटर होगी तो हम लोग इधर इस लेबल पे जंप कर जाएंगे. ठीक है, इसका मतलब है कंपेरिजन हमेशा आपका डेस्टिनेशन और फ्रेंड कंपेयर होता है सोर्स के साथ. तो इसके लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं. मैं कहता हूं कि अगर हम आपकी ऑब्टेन मार्क्स जो हैं वो 50 से ग्रेटर हैं तो पास प्रिंट हो जाए, वरना क्या प्रिंट हो जाए, फेल प्रिंट हो जाए. तो मैं कहता हूं आपके ऑब्टेन मार्क्स जो हैं वो बी एक्स रजिस्टर के अंदर हम लोग स्टोर कर लेते हैं. हम लोग मूव कर देते हैं वैल्यू बी एक्स के अंदर. फॉर एग्जाम्पल किसी के ऑब्टेन मार्क्स हैं जी 70. ठीक है, तो मैं 70 मूव कर दिया बी एक्स रजिस्टर के अंदर. इसको कंपेयर हम लोग कर रहे हैं ए एक्स के साथ, तो हम लोग ए एक्स के अंदर क्या रख देते हैं, 49 रख देते हैं. ठीक है, उसके बाद हम लोग कंपेयर की इंस्ट्रक्शन यूज कर लेते हैं. कंपेयर किसको कंपेयर करना है, हम लोगों ने सॉरी फॉर दैट कंपेयर कर रहे हैं. कंपेयर हम लोग कर रहे हैं बी एक्स को कंपेयर कर रहे हैं ए एक्स के साथ, कि बी एक्स की वैल्यू ए एक्स के साथ कंपेयर हो जाए. ठीक है, और उसके बाद हम लोग यूज कर रहे हैं जंप ग्रेटर देन. अगर बी एक्स की वैल्यू ग्रेटर हुई ए एक्स से तो हम लोग किधर जंप कर देंगे, इस लेवल पे जंप कर देंगे. यहाँ पे मैं लेवल यूज कर लेता हूँ पास. ठीक है, तो पास के लेवल पे आके हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रिंट यूज कर लेते हैं, प्रिंट की इंस्ट्रक्शन. और हम लोग प्रिंट की इंस्ट्रक्शन के बाद हमेशा आप लोग स्पेस देंगे और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि पास प्रिंट. ठीक है, अगर नंबर ग्रेटर ना हुए, अगर बी एक्स की वैल्यू ग्रेटर ना हुई ए एक्स से तो हम लोग इस लेबल पे जंप नहीं करेंगे बल्कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चले जाएंगे. उसके लिए यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर देता हूँ, मैं प्रिंट कर देता हूँ फेल प्रिंट कर देता. ठीक है, और अब ये देखें जब बंदा फेल होगा तो फेल होने के बाद कोई आपके पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ रही है वो एग्जीक्यूट होगी तो फेल और पास दोनों प्रिंट हो जाएंगे. उससे बचने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, जंप यूज कर लेते हैं और मैं कह देता हूँ किधर चले जाओ, एग्जिट पे जाइए. ठीक है, और एग्जिट पे आके मैं यहाँ पे मैं अपने कोड को हॉल्ट कर. ठीक है, अब इसी कोड को मैं आप लोगों को इमुलेटर में शो कर देता हूँ कि ये कैसे एग्जीक्यूट. ये मेरे पास देखें कोड है. अब यहाँ पे एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बताने वाली है, वो ये है कि आपने यहाँ पे इंक्लूड करवाने, जब भी आप लोग प्रिंट करेंगे तो इंक्लूड स्पेस के बाद डबल कोट्स के अंदर emu8086.inc आप लोग ये फाइल एक इंक्लूड करवाएंगे, उसके बाद आप प्रिंट की इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने मूव कर दिया है ए एक्स के अंदर 5 मूव कर दिया, या मैं ऐसे कर देता हूँ जिस तरीके से हमने किया है वो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं कि ए एक्स के अंदर हमारे पास 49 आ जाए
और बी एक्स के अंदर हमारे पास आपके डिजायर्ड मार्क्स है, ठीक है, और ऑब्टेन मार्क्स आपके जो है वो आप फॉर एग्जाम्पल 70 कर देते, ठीक, तो इसको कमेंट भी कर देता हूँ। ये आपके ऑब्टेन मार्क्स, अब कंपेयर कर रहे हैं बी एक्स को कंपेयर कर रहे हैं ए एक्स के साथ, ठीक है, उसके बाद जंप ग्रेटर देन लेवल हम लोगों ने पास यूज कर दिया, तो इस कोड को मैं क्या कर लेता हूँ, इम्यूलेट कर लेता हूँ, हमारे पास कोई एरर नहीं है, ठीक है, और प्रीवियस नोटेशंस को मैं क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, मैं सिंगल स्टेप करता हूँ, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रही है, मैं इसको फिर से कंपाइल कर लेता हूँ, इसको एक दफा इशू आ रहा है, फिर से ओपन कर लेता हूँ, असेंबलर का कोई इशू था, ठीक है, मैंने दोबारा से यहाँ पे फाइल जनरेट कर ली है और ये इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है, मैंने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई तो यहाँ पे देखें बेसिकली हम लोग हेक्साडेसिमल में बात कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू से प्रिंट कर लेता हूँ। तो 49 हमारे पास आ गया, ऑब्टेन मार्क्स आपके पास 70 आ गए, अब कंपेयर कर रहे हैं हम लोग बी एक्स को ए एक्स के साथ, यानी कि कंपेयर हमारे पास 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ये जब एग्जीक्यूट हुई अब हम लोग जंप ग्रेटर देन पे आ गए, जंप ग्रेटर देन हमारे पास काम करेगी, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जंप ग्रेटर देन एग्जीक्यूट होगी कि बी एक्स की वैल्यू ग्रेटर है ए एक्स से, तो हम लोग किधर चले जाएंगे, पास लेवल पे चले जाएंगे, देखिए हम लोग पास लेवल पे आ गए। अब यहाँ पे ये जो कोड लिखा हुआ है ये सारा का सारा कोड किसके लिए है, एक करेक्टर प्रिंट करवाने के लिए आप लोगों का, तो यहाँ पे मैं इसको सिंगल स्टेप करता रहता हूँ, तो ये आप लोगों का बेसिकली क्या कर रहा है, एक करेक्टर जाके उसने स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया, तो मैंने कम्प्लीट अगर अपना कोई स्ट्रिंग है कोई, मैं यहाँ पे एक कंप्लीट सेंटेंस लिख देता हूँ, उसको देखने के लिए मैं इसको क्या कर लेता हूँ, रन कर लेता हूँ, तो हमारे पास क्या आ गया कि पास का मैसेज आ गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ऑब्टेन मार्क्स जो थे वो 40 थे, तो ये कोड क्या करेगा, ये फेल का मैसेज प्रिंट करेगा कि मार्क्स जो आपके ऑब्टेन है वो आपके पासिंग मार्क्स से क्या है कम है, तो मैं डायरेक्टली इसको क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ, रन कर दिया अपने कोड को, तो जब हमारे पास प्रिंट हुआ और स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास क्या आ रहा है, फेल की आपके पास मैसेज प्रिंट हो रहा है, ठीक है, होपफुली आप लोगों को कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन समझ आ गई होगी, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।